दोस्तों दिस इज उपेश सिंह और अभी मैं बैठा हुआ हूँ मेरी गाड़ी में और बोट के अंदर। आप देख सकते हैं अभी मैं बोट में हूँ और हम यहाँ से जाने वाले हैं, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं गाम्बिया के दूसरे पार्ट में, जो कि हम फेरी बोट से क्रॉस करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरी गाड़ी और मैं दोनों इधर ही हैं फेरी बोट में, और मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाना चाहता हूँ। देखिए हम फेरी बोट से क्रॉस करने वाले हैं, हमारी गाड़ी है और इससे हम लोग क्रॉस करेंगे गाम्बिया की कैपिटल बाउंजुल से दूसरे पार्ट में जाने वाले हैं हम लोग। देख सकते हैं आप, तो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से बाउंजुल को क्रॉस करके गाम्बिया के दूसरे पार्ट में, और वहां से निकलेंगे हम आज सेनेगल कंट्री के लिए, जो दूसरे एरिया में पड़ता है सेनेगल कंट्री में। और इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे कैसे आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, कैसे आप सेनेगल से गाम्बिया में माल बेच सकते हैं और गाम्बिया से सेनेगल में माल बेच सकते हैं। दोनों चीज़ पॉसिबल है दोस्तों, दोनों चीज़। और आप देख सकते हैं हमारे ड्राइवर अब्दुल को, हाय सोनी आल्सो देयर एंड मेगा, हाय देयर, शी इज टू बिजी ऑन फोन। तो दोस्तों अभी हमारी बोट स्टार्ट होने वाली है और स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ने वाले हैं बाउंजुल से गाम्बिया के दूसरे पार्ट में, और ये सारा लाइव दिखाने का मेरा मोटिव ये है आपको समझ में आए कि कितना इजी है बिजनेस करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। कैसे आप अपने गुड्स, आप देख सकते हैं पीछे कितनी सारी गाड़ी खड़ी है, ये सारी कार्स इस बोट में है जहाँ से हम क्रॉस करेंगे बाउंजुल को दूसरे पार्ट में। दोस्तों वेस्ट अफ्रीका में बिजनेस बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, अभी हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं, खड़े हुए हैं, सारा काम चल रहा है, हर आदमी आपको सपोर्ट कर रहा है, नोबडी इज डिस्टर्बिंग यू, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हमारा जो ड्राइवर है अब्दुल कादिर वो फोन में हमेशा बिजी रहता है, ऑलवेज बिजी इन फोन। अब्दुल यू वांट टू से समथिंग अबाउट दैट? Hi, how are you doing? We are here at the Gambia seaport. You see the containers, you see the passengers. We are here on the in Banjul, capital of Gambia. We're crossing the boat going to Dakar for a business trip, and then we have seen that Gambia has different business potentialities that should be exploited. It's a great adventure to be here to explore those opportunities. We're waiting for you. We'll come you and assist you for a long-term partnership. दोस्तों बोट चलने वाली है, पानी में लहरें उठने लग गई हैं और हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट साइड। दोस्तों गाम्बिया एक बहुत अच्छी कंट्री है और ये इसका खुद का सी पोर्ट है, एज वेल एज बॉर्डर लगा हुआ है सेनेगल से। गाम्बिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसा कि मैं रेगुलर कुछ दिन से आपको दिखा रहा हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनुफैक्चरिंग माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में इम्पोर्ट ड्यूटी कम है और प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, एक एक कंटेनर पर आप 30% रूल के साथ प्रॉफिट कर सकते हैं, पॉपुलेशन कम है लेकिन साथ साथ नियर बाई कंट्रीज़ में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना तो लेस पॉपुलेशन का जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाता है। इसी के पास में सेनेगल पड़ता है, पॉपुलेटेड कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, आप आराम से वहाँ बिजनेस कर सकते हैं, मोर डेवलप कंट्री सिटी है जो सेनेगल की कैपिटल डकार। यहाँ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है जो लोकल लैंग्वेज है सेनेगल में और गाम्बिया में, एक ही लैंग्वेज चलती है। यहाँ की करेंसी एक्चुअली दोनों कंट्रीज़ की, सेनेगल की गाम्बिया की डिफरेंट है, बट आप यूज़ कर सकते हैं, वर्क करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और जब आप अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे तो पीछे जो कंटेनर्स खड़े हुए हैं, जो सिप है, इसी तरह से एक दिन आपके खुद के गुड्स आएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में और आप चम के पैसा कमाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं बैक साइड हाउस,
तो करते रहें प्रॉफिटेबल बिजनेस, स्टार्ट करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग जैसे सेक्टर में अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाएं, सुपर सक्सेसफुल हों। दोस्तों आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, सी यू सून। मैं ऐसे ही आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बताता रहूँगा अपना बिजनेस करते करते, साथ साथ मेरे क्लाइंट्स के बिजनेस सेटअप में भी जब हम हेल्प करते हैं तो आप समझ सकते हैं हम उनको कितना डीपली ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे वो एक कंट्री में बिजनेस सेटअप करें, फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने माल कैसे ले जाएं, कैसे प्रोडक्ट लेके जाएं, नियर बाई 4 to 5 कंट्रीज में आप अपने बिजनेस को कैसे बूस्ट करें, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को लोकल से ग्लोबल बनाएं, कैसे आप बड़ी कंपनी से कंपटीशन से बाहर निकल सकते हैं, उनसे फाइट ना करके रास्ता दूसरा निकाल कर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, और एक दिन आप बड़ी कंपनी बनकर अपने घर का, अपने परिवार का, अपनी टीम का नाम रोशन करें। एक लीडर को अपनी कंपनी लेके जानी होती है ना जब आगे, तो उसको आगे बढ़ना होता है। इस कोविड में जहाँ लोग इंडिया में घर में घुस के बैठे हुए हैं, आज हम लोग रेगुलर वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स का बिजनेस सेटअप करवाने में हेल्प कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट। लेकिन कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल ले जा पाएंगे। तो सी यू सून फ्रेंड्स।